आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विंडोज में हम देखेंगे कंट्रोल पैनल्स के कुछ ऑप्शंस। पिछले पार्ट में हमने कुछ ऑप्शंस देखे थे, अब आगे की नेक्स्ट ऑप्शंस हम इस पार्ट में देखेंगे। इसमें जैसे हमने डिवाइस मैनेजर फॉन्ट्स तक देख लिया था, इसके बाद यहाँ इंटरनेट ऑप्शन। इंटरनेट ऑप्शन आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी के माध्यम से जो मीडिएटर्स होते हैं, मीडियम होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, आप किससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कनेक्ट होंगे उसके लिए आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। इंटरनेट लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो इंटरनेट का कस्टम लेवल क्या है, ये सारी चीजें सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क का ऑप्शन, नेटवर्क और शेयरिंग, नेटवर्क शेयर करना है अगर आपको आपस में एक दूसरे सिस्टम में, तो आप यहाँ से नेटवर्क शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं कनेक्टेड नेटवर्क करके। कनेक्टेड नेटवर्क में क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ से आप चाहें तो जो भी अगर किसी का भी हॉटस्पॉट दिख रहा है तो आप यहाँ से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, नया बनाना है नया भी बना सकते हैं। सेटअप नेटवर्क कनेक्शन से सेटअप इज न्यू कनेक्शन, कनेक्ट किससे कनेक्ट होना है, इंटरनेट से कनेक्ट टू द इंटरनेट क्लिक कीजिए। वायरलेस ब्रॉडबैंड करना, वायरलेस करना, यहाँ वायरलेस में आपको ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, आपने जिसको भी कनेक्ट करना है उसका आईडी पासवर्ड डाल के कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इससे कनेक्टिविटी बना सकते हैं और नेटवर्क शेयरिंग भी कर सकते हैं वहां से, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट फोन और मॉडेम, फोन मॉडेम की कनेक्टिविटी अगर बनानी है आपको, ठीक है, तो उसके लिए कर सकते हैं। इसके रीजन्स एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग करना है, डेट टाइम, अगर डेट का फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है, टाइम का फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है, तो सब चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज को बाय डिफॉल्ट वो डिफाइन करे, तो यहाँ से आप लैंग्वेज हिंदी इंडिया कर देंगे तो हिंदी की लैंग्वेज को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। शॉर्ट डेट, शॉर्ट डेट जो शो होगा वो कैसा शो हो, किस फॉर्मेट में वो सेट कर सकते हैं, लॉन्ग डेट किस फॉर्मेट में शो हो, शॉर्ट टाइम किस फॉर्मेट में शो हो, ये सारी सेटिंग्स के अलावा लोकेशन, आपका कौन सा लोकेशन हो, लोकेशन से यहाँ से कीबोर्ड और लैंग्वेज जहाँ चेंज कीबोर्ड में क्लिक करें। जैसे देखिए अगर आपका सिस्टम में कई कीबोर्ड कनेक्ट किया तो डिफॉल्ट रूप से किस जो कीबोर्ड को सेलेक्ट कर रहा है वो कीबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, चेंज करना है यहाँ से देखिए, तो आप एड में जाइए, एड करके अब देखिए कौन सा लैंग्वेज को आप दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हिंदी वगैरह करना है तो एबीसी यहाँ से जी एच में हिंदी वगैरह है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें हिंदी का कीबोर्ड, देवनागरी, हिंदी ट्यूटोरियल जो जो चाहिए यहाँ से उनको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए अब जिसको भी करना है, जिसको भी बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड से कराना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी ट्रेडिशनल में अप्लाई किए, ठीक है। तो क्या करेगा, जब आपको वेबसाइट वगैरह में कहीं पे इनपुट करेंगे तो हिंदी ट्रेडिशनल में इनपुट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको यस रखना है तो यस में कर सकते हैं आप, ओके कर दीजिए। इसके अलावा सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखने तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सिस्टम की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इसमें आपका नेक्स्ट, इसमें डिस्प्ले का है, डेट एंड टाइम का है। डेट एंड टाइम क्या है, आपको डेट और टाइम सेट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी डेट टाइम दिख रहा है, डेट टाइम आपको चेंज करना तो चेंज डेट एंड टाइम में क्लिक कर दीजिए। अब जो भी डेट चेंज करना है आपको, मान लीजिए उस डेट को सेलेक्ट कीजिए, टाइम अगर चेंज करना है यहाँ पे टाइम एएम पीएम कुछ करना है, टाइम वगैरह को चेंज करना है यहाँ से, मान लीजिए एएम कर देते हैं, ओके
ये हम देखने लग गया डेट चेंज हो गया, यहाँ पे नीचे तो हो रहा है टास्क बार में, फिर से चेंज करना है, सही करना है, चेंज में जाइए फिर से सही कर दीजिए इसको। ओके, इसके अलावा टाइम जोन चेंज करना है, जैसे हमारा टाइम जोन ये क्या 5:33 जयगुड़ा दिख रहा है, चेन्नई कोलकाता मुंबई वाला टाइम सेट करना, वो टाइम आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, टाइम जोन जी टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपका टाइम चलता है, ठीक है। एडिशनल क्लॉक अगर आपको अलग से शो कराना है कहीं पे तो एडिशनल क्लॉक यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट का टाइम जोन उठाना तो चेंज सेटिंग में जाकर के इंटरनेट टाइम में यहाँ से अपडेट कर दीजिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपके सिस्टम में कहीं पे टाइम सही नहीं चल रहा तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी रहेंगे तो इंटरनेट से उठा करके टाइम को सही कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड के सेटिंग करना है, कीबोर्ड किस तरीके से वर्क करे तो कीबोर्ड में यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की स्पीड जो की होगा वो रिपीट कितना डिले होगा, उसको रिपीट रेट स्लो फास्ट क्या होगा, हार्डवेयर देखना कौन सा कीबोर्ड कब कीबोर्ड क्या है, HID कीबोर्ड है तो HID कीबोर्ड रहने दें। नोटिफिकेशन आइकन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिखते हैं उनमें से किसी नोटिफिकेशन को बंद करना है चालू करना है, जैसे यहाँ पे देखिए रियलटेक HD का दिख रहा है, अगर इसको हम हाँ अब देखिए ऑलवेज शो से हटा दिया, अब यहाँ से देखिए मान लो मुझे इसको नहीं शो कराना है, देखिए चला गया शो कराना है शो अब गया। इस तरीके से किसी भी नेटवर्क का अगर नहीं शो कराना है तो नेटवर्क का भी हटा सकते हो, तो किसी भी नोटिफिकेशन को अगर शो कराना है या हाइड कराना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पहले, लेकिन ऑलवेज शो ऑल आइकन होगा तो आप नहीं कर सकते, तो ये जब बंद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है इसमें आपका कंट्रोल पैनल्स में पावर ऑप्शन है, तो पावर आपका जो पावर ऑप्शन है यहाँ पे बैटरी वगैरह जो उसका होगा वो देखो बैलेंस रिकमेंड आपको बैलेंस दिखा कितना परसेंटेज वगैरह को, इसके वाला पावर सेवर अगर आप चालू करना चाहते हो तो पावर सेवर ऑन कर सकते, इससे क्या होगा ब्राइटनेस वगैरह स्लो हो जाएगा। सेटिंग वगैरह अगर चेंज करना है इसका चेंज कर सकते हो, देखो डिम द डिस्प्ले क्या होगा 2 मिनट से 5 मिनट, प्लग इन ऑन बैटरी, टर्न ऑन डिस्प्ले 5 मिनट से 10 मिनट, पुट ऑन द कंप्यूटर एट स्लीप 15 से 30 मिनट में अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो हो जाएगा। इसके अलावा ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं आप, एडवांस पावर सेटिंग में जाएंगे तो और भी चीजें यहाँ पे आपको स्लीप USB की सेटिंग सबकी अलग अलग सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टास्क बार, टास्क बार क्या है, ये जो नीचे टास्क बार है उस टास्क बार को देखना है आपको, तो टास्क बार स्टार्ट मेनू में जाइए, अब देखिए लॉक द टास्क बार, अभी टास्क बार लॉक है तो आप इसको कहीं भी नहीं हटा सकते, अगर इसको मैं हटा दूं अब अप्लाई करूं, अब देखिए टास्क बार को मैं चाहूं तो इधर ले जा सकता हूं, ऊपर नीचे बड़ा कर सकता हूं, नीचे कर सकता हूं, इधर ले जा सकता हूं, ऊपर ले जा सकता हूं, नीचे ला सकते हैं, ठीक है। लॉक कर दोगे तो लॉक हो जाएगा, अब आप कहीं भी स्क्रीन पे ला पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑटो हाइड द टास्क बार, अगर ऑटो हाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अप्लाई कर दिए, देखिए जब कर्सर जाएगा तभी वो दिखेगा, अदरवाइज हाइड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टास्क बार का भी उपयोग, इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू में कौन कौन से बटन दिख रहे हैं उनका कस्टमाइज, यहाँ से सेलेक्ट करके पूरा पढ़ के चीजों को, डिस्प्ले द लिंक, डिस्प्ले एज मेनू किस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है, कनेक्ट टू कंट्रोल पैनल को कहाँ डिस्प्ले करना है, ठीक है। अभी जैसे हम डिस्प्ले मेनू करने तो मेनू के रूप में डिस्प्ले होने लग जाएंगे कंट्रोल पैनल के ऑप्शन, तो ये पूरे सेटिंग्स आप यहाँ से टास्क बार से कर सकते हैं, टास्क बार में स्टार्ट मेनू से। डिफॉल्ट प्रोग्राम, इसके अलावा इजी टू एक्सेस सेंटर, इजी एक्सेस के लिए आपको कोई भी चीजों से इजी, जैसे यहाँ से अगर मैग्नीफाई करेंगे तो हर आइटम को आपको बड़े बड़े रूप में शो होने लगेंगे। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए, अगर मान लो आपको कोई ऐसा कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप नहीं इनपुट कर पा रहे हो तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में क्लिक कर दे दो कीबोर्ड, अब आप चाहे तो जहां पर भी यहां जैसे आप जो भी चीज में करना है कर सकते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके करना है कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ करना है कर सकते हैं, ठीक है। पेज डाउन, पेज अप, होम, इन सब पूरा
ऑनलाइन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीफायर करेंगे तो पूरे आइटम्स आपको बड़े बड़े दिखेंगे। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। व्यू आउट बढ़ा सकते हो, क्लोज करना है क्लोज कर दो, स्टार्ट नैरेटर्स कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी क्या, यूज द कंप्यूटर विदाउट ए डिस्प्ले, विदाउट डिस्प्ले मेन्यू के। इसके अलावा यूज द कंप्यूटर विदाउट माउस और कीबोर्ड, अगर बिना माउस कीबोर्ड के आपको चलाना है तो। ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम टूल्स कंट्रोल पैनल में और ऑप्शन हम देख सकते हैं। लोकेशन वगैरह सेट करने हैं तो लोकेशन आप यहाँ से देखिए, लोकेशन सब तो क्या है, यहाँ से सेंसर लगा होगा, नो सेंसर इंस्टॉल, अगर सेंसर रहता तो आपको करंट लोकेशन को कैच करता है। इसके अलावा प्रोग्राम एंड फीचर, प्रोग्राम एंड फीचर्स क्या है, अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में आप सीधे लिंक से क्लिक करके भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हटाना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, या इंस्टॉल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोग्राम एंड फीचर से आप कोई भी एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर अनइंस्टॉल करना है जिसको भी इंस्टॉल करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कीजिए, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल तो आप क्या कर सकते हो, कहीं से सीधे लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करना हटाना है तो आपको यहाँ आना ही होगा, यहाँ पे आपके पूरे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह होंगे वे सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, उनमें जिसको भी चेंज करना है हटाना है उनको आप सेलेक्ट कर दीजिए। अनइंस्टॉल कर दिया मैं, ठीक है, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, ओके कर सकते हैं आप। अगर हटाना तो कैंसिल कर दे तो भी हट गया, इसी तरीके से भी ऑप्शन है। चेंज करना है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो भी चीज इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉल करना होगा उस आप यहाँ से व्यू इंस्टॉल इट अपडेट्स, अगर अपडेट व्यू करना है, लेकिन ये नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है अभी तो नहीं दिखाएगा, तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। साउंड्स का चेकअप करना है तो साउंड्स में क्लिक कर दीजिए, अभी कौन सा स्पीकर लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा माइक्रोफोन का, जैसे हमने यूज कर रहे हैं अभी रिकॉर्डिंग के लिए तो माइक्रोफोन दिखा रहा है। साउंड्स का कौन कौन से साउंड्स यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से यूज होंगे ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। स्पीकर प्लेबैक के लिए कॉन्फ़िगर करना, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग जो साउंड्स के होंगे वो कर सकते हो। टर्बो शूटिंग, अगर कोई चीज प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी टर्बो शूटिंग्स के लिए, जैसे जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब नेटवर्क वगैरह कहीं जा रहा है तो उसके लिए विंडोज फायरवॉल, आपके विंडोज में भी क्या होता है कुछ चीजों के लिए, जैसे जनरली आपका जो वायरस वगैरह नेटवर्क से इंटरनेट से आते हैं तो उनको रोक सकते हैं विंडोज फायरवॉल को ऑन ऑफ करके, ठीक है। तो यहाँ विंडोज जैसे टर्न ऑन ऑन ऑफ विंडोज फायरवॉल में यही देखिए, टर्न ऑन फायरवॉल क्या करेगा, ब्लॉक ऑल इनकमिंग कनेक्शन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ अलर्ट प्रोग्राम, तो इससे क्या होगा कोई भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते, नोटिफाई पे नोटिफाई करेगा और लेकिन इंस्टॉल कर सकते हैं नया प्रोग्राम को। टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल यहाँ पे अगर क्लिक करें कर सकते हैं, टर्न ऑफ करना है तो टर्न ऑन फायरवॉल, लेकिन इसमें क्या होगा अभी विंडोज कौन सा है पब्लिक नेटवर्क लोकेशन की सेटिंग, तो इनको पढ़ के एक को आप सेटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आप उपयोग कर सकते हैं विभिन्न अदर, नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए बाकी के हम ऑप्शंस देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।